जय श्री राम सारे भाइयों को। और आज 90 डेज चैलेंज का आज का चौथा दिन है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो शुरू करते हैं अपने गर्म पानी से, ठीक है? तो वक्त ना जाया करते हुए पहले हम पी लेते हैं गर्म पानी, उसके बाद हम मिलेंगे 10 मिनट बाद वही देसी मील के साथ रोटी सब्जी। तो 10 मिनट बाद मिलते हैं। 10 minutes later. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading up. हाँ तो मेरे भाइयों, आज भी तुम्हारे भाई ने 9 रोटी खा ली। अब एक काम करूंगा, कल है ना 10 रोटी लाऊंगा, शायद 10 रोटी खा पाऊं या नहीं खा पाऊं वो मैं देख लूंगा, कैपेसिटी कैसी है। 1:30 बज रहा है, तो बढ़ते हैं अपने सेकंड मील की तरफ, देसी सेकंड मील की तरफ। तो चलो वक्त ना जाया करते हुए दूसरी सेकंड मील ले लेते हैं, जो है चावल। हमारे भाई ने दूसरी देसी मील भी ले ली है, तो अब मतलब खावा लिया है, पेट थोड़ा भर चुका है। तो अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर बाहर घूमने, थोड़ा टहलने के लिए। और आप लोग भी जो करना है करिए और वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप मत करना। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, ठीक है? तो मिलते हैं थर्ड मील की तरफ। 2 hours later. तो भाई 3:30 बज चुका है, तो ले लेते हैं अपनी थर्ड मील, जो है अंडा। ये देखो, सो बॉइल्ड एग ओनली व्हाइट खाना है हमें, ठीक है? पूरा योक लेके साथ नहीं खाना, ठीक है? होल एग नहीं खाना, ओनली एग व्हाइट खाना। तो चलो खाना शुरू करते हैं। डेढ़ घंटे बाद हम खाएंगे, 1.5 या 2 घंटे, मतलब 1.5 घंटे पकड़ लो, उसके बाद हम खाएंगे थोड़े से फ्रूट्स। 2 hours later. हाँ तो मेरे भाई बजे 5, ठीक है? तो अब बारी है चौथे मील की, जो है हमारे फ्रूट्स। थोड़े से फ्रूट्स खाएंगे आज, ठीक है? तो मतलब क्या है ना कि धीरे धीरे ना डाइट में चेंजेस आते रहेंगे। 90 दिन का टास्क है मेरा, ठीक है? तो 90 दिन में से 30 दिन नॉर्मल डाइट रहेगी, उसके 30 दिन फिर थोड़ी चेंज हो जाएगी, फिर उसके और 30 दिन जो लास्ट होगा 30 दिन वो वाला भी चेंज हो जाएगा। मतलब सब में देखना कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों को, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि जो सोचते हैं यार डाइट के लिए। भाई देखो, देसी डाइट से भी बॉडी बन रही है, तुम्हारा भाई बॉडी बना रहा है, ठीक है? तो आप लोग मुझे फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चौथी मील भी क्लियर हो गई है, तो अब हम जाएंगे घर। घर जाके फ्रेश व्रेश होंगे, वही मैंने आपको बता रखा है, ओट्स ओट्स खाएंगे, या तो दलिया खाएंगे, या तो कुछ और जो मिल जाए यार, चावल भी मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, ऐसे देसी डाइट है, ठीक है? तो घर पे जाके मिलते हैं, डाइट पे मिलते हैं, ठीक है? और जिम जरूर जाना यार, आप लोग भी मिस मत करो ना, मैं भी मिस नहीं करूँगा 90 डेज तक। देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट आता है, मेरी बॉडी क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, ठीक है? तो मिलते हैं। अभी घर आ चुका हूँ, फ्रेश हो लिया हूँ, और अभी मैं लूँगा मतलब मेरी डाइट, मतलब जिम जाने से पहले जो मील है मेरा वो रहा। सो एक थाली ओट्स, जो से मैंने आपको कहा था, और ये मेरी बॉडी कंडीशन आप देख सकते हो, ठीक है? तो देसी डाइट, देसी मील और थोड़े से हैवी वर्कआउट्स, तो इम्प्रूवमेंट आप लोग देख सकते हो। अभी धीरे धीरे अभी और इम्प्रूवमेंट दिखेगा, तो वीडियो में बने रहे, स्किप मत करना। तो भाई जैसे कि तुम्हारा भाई जिम से आ चुका है पूरे पसीने से लथपथ, तो आप लोग देख सकते हो। और अभी मैं शेक बना रहा हूँ, मतलब प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक बनाने के लिए 2 केले लिए हैं मैंने, थोड़े से ओट्स डाले हैं इसमें, और एक चम्मच ये पीनट बटर डालूंगा, और देसी पाउडर जिसमें सत्तू काजू किशमिश बादाम का चूरा है ऑल टोटल। तो इन सबको क्या करना है ना, आधा ग्लास दूध में मिक्सी में ब्लेंड कर। तो मेरा भाई प्रोटीन शेक रेडी हो चुका है, तो आप देख सकते हो, ये देखो ये मेरा प्रोटीन शेक, तो आप पी लेते हैं इसे। तो अब बारी है 100 ग्राम पनीर, जो ये लोग आप देख सकते हो। तो भाई अब हम खाना शुरू करते हैं, और इसके बाद है ना कुछ नहीं करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।